नमस्ते सर, सर जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आ गया, कितना टाइम दिया था आने का मैंने, किस टाइम आ? महाशय अब इतने बड़े हो गए हैं कि बिना पूछे ही बैठ गए। अरे मास्टर जी, इसमें पूछना क्या है, बैठने के लिए ही तो आए थे। उठो, बेशरम नालायक। क्या हुआ मास्टर जी? पापा को लाए अपने साथ में? पापा कहा था पापा को लेके आना अपने साथ में, क्यों नहीं लाए उन्हें? कहाँ है? तो यहीं पर है, लेके आया हूँ पापा को साथ में। मास्टर जी पापा बाहर खड़े थे। अरे रोशन लाल, वहाँ क्या कर रहे हो आप? यहाँ आइए, यहाँ आओ बैठो आके। अरे मास्टर जी कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था। वैसे आपके स्कूल में मैडम बहुत सेक्सी है। सेक्सी नहीं, सेक्सी होता है सेक्सी। अरे बेटा हाँ हाँ वही वही। हे भगवान, किसको बुला लिया मैंने। अरे कोई बात नहीं मास्टर जी, हम चले जाते हैं। उठ बेटा उठ, चल हम चले जाते। अरे रुको 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 रोशन जी, मैंने यहाँ आपको कुछ बात करने के लिए बुलाया है, आप चल दिए। अरे हाँ 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 मास्टर जी, बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं। तो बताओ वो जरा आपके जो फर्स्ट क्लास में मैडम बैठी थी उसका नाम क्या है? अरे रोशन जी, मैंने आपके आपके बेटे के बारे में बात करनी, किसी मैडम के बारे में नहीं। अरे रोशन जी सही से देखिए, ये 100 नहीं 0 है। जीरो जीरो है? चश्मा साफ कीजिए। कम वक्त निकम में मुझे पता था ये मेरा नाम टट्टी में मिलाएगा एक दिन। टट्टी में मिलाएगा? मास्टर जी हाँ टट्टी में। पर क्यों? अब मास्टर जी तुम्हें क्या बताऊं, टट्टी में इसलिए क्योंकि हम सब लोग खेतों में हगने जाते हैं और खेतों में मिट्टी से ज्यादा टट्टी है। अरे कोई बात नहीं रोशन जी, रोइए मत, चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सबकी औलाद ऐसी होती है, कोई बात नहीं, है तो क्या दिक्कत आ रही। चलो कोई नहीं, चुप हो जाइए आप। हाँ मास्टर जी, पिछली बार तो पीटीएम में अपने दोस्त को लेकर आया आ गया था ये तुम्हारा लड़का, और बताता है कि ये मेरे पापा है। रसल जी उठिए। पीटीएम खत्म हो गए, निकलिए यहाँ से, निकलिए जल्दी निकलिए। खत्म, चल चल बेटा देखो उठ गए। मास्टर जी फिर बनाना, नींद बहुत अच्छी आई थी। नमस्ते। हे भगवान,